हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मंजू भवानी, आ वेलकम टू बी ए पार्ट फर्स्ट इंग्लिश लिटरेचर ऑनलाइन क्लासेस। देर इज अवर कंटिन्यूस वीडियो, वी डिस्कस अबाउट योर पोएम दैट नेम इज द विलेज स्कूल मास्टर कंपोज बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ। हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने ओलिवर गोल्डस्मिथ के हमने जो कंपोज की हुई है पोएम द विलेज स्कूल मास्टर के जो स्टैंडर्स है उनको डिफाइन कर रहे थे। ये जो हमने देखा था जो विलेज स्कूल मास्टर है ये पोएम कहाँ से ली गई है, ये एक पोएम है द डेजर्टेड विलेज। एक डेजर्टेड विलेज नाम की एक पोएम है, वहाँ से ये पोएम है जो एक्सट्रैक्ट की गई है, ली गई है। इस पोएम में जो पोइट है वो क्या है, एक स्कूल मास्टर के बारे में बात कर रहा है। जो स्कूल मास्टर है वो क्या है, उसकी जो मतलब कि उसकी अपीयरिंग कैसी है, वो दिखने में कैसा है, उसका हार्ट कैसा है, वो किस तरीके का आदमी है, उसका बिहेवियर क्या है, इन सब के बारे में जो पोइट है वो इस जो ये पोएम है हमारी द विलेज स्कूल मास्टर इसमें बता रहा है। जो विलेज स्कूल मास्टर है वो जिस गांव से बिलोंग करता है वो गांव क्या है, अब डेजर्ट में चेंज हो गया है, मतलब कि अब वहाँ पर क्या है, लोग जो क्या है वहाँ से माइग्रेट कर गए हैं। मतलब वहाँ पर क्या था, पहले जो लोग थे वहाँ पर रहते थे, लेकिन अन्य किसी भी कारणों से, चाहे वो एजुकेशन है, ऑक्यूपेशन है, या एम्प्लॉयमेंट है, मतलब कि चाहे वो शिक्षा के लिए, चाहे रोज़गार के लिए, चाहे व्यवसाय के लिए, जो लोग हैं वो उस गाँव को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर चले गए हैं, अदर प्लेसेस में वो क्या कर गए हैं, सिचुएटेड हो गए हैं, रहने लग गए हैं, जिसके कारण अब वो जो गांव है वो क्या है, डेजर्ट में चेंज हो गया है, डेजर्टेड में हो गया है। और वो जो गांव है वो क्या है, ओलिवर गोल्डस्मिथ से जुड़ा हुआ है। कभी ओलिवर गोल्डस्मिथ वहां पर रहता था। और उसके बाद हम देखते हैं जो स्टार्टिंग लाइन्स इस पोएम की वो क्या है, जो स्टार्टिंग लाइन्स हैं वो पोएम कि वो हमें क्या बताती है, स्कूल की जो सिचुएशन है, मतलब कि स्कूल की जो लोकेशन है, स्कूल की जो जगह है वो उसके बारे में बताती है कि स्कूल जो है वो कहाँ पर है। हमने देखा कि वो बताता है कि एक रास्ता जा रहा है, एक रास्ता है जिसमें येलो फ्लावर्स वाली बेल लगी हुई है, येलो फ्लावर्स वाली झाड़ियाँ लगी हुई हैं, इनके साइड में ही, इसके भी साइड में ही क्या है, उसका एक घर है। किसका घर है, स्कूल मास्टर का घर है, जिसके अंदर वो क्या चलाता है, अपनी स्कूल चलाता है। ये हमने स्टार्टिंग की लाइन से देखा था, जो घर है वो उसको क्या बताया हुआ है, एक मेंशन बताया, एक महल बताया है। और जो किंग है वो कौन है, स्कूल मास्टर है। और वो जो घर है वो क्या है, नोइजी है, बहुत ज़्यादा शोर से भरा हुआ है, क्योंकि हमें पता ही है कि स्कूल है वो क्या है, एक प्लेस है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शोर रहता है। तो उसमें क्या है, वो बताता है कि जो दिखने में जो स्कूल मास्टर है वो क्या है, दिखने में ही बहुत ज़्यादा सीवियर है, मतलब कि दिखने में वो बहुत ज़्यादा हार्श है, कठोर है, लेकिन वो काइंड हार्टेड मैन है। जो बच्चे हैं वो क्या हैं, उसको अच्छे से जानता है। जो हमारे ओलिवर गोल्डस्मिथ जो पोइट हैं वो भी क्या है, उसे अच्छे से जानते हैं, क्योंकि वो उनके मास्टर रह चुके हैं। और हर बच्चा उनके क्या है, फेस के जो उनके एक्सपीरियंस, जो उनके हाव भाव हैं, जो उनके फेस के जो दिखावट है, उसी से क्या है, वो अपने दिन में होने वाली जो उनके साथ होने वाली जो घटना है, चाहे वो दुर्घटना है, उसका वो अंदाज़ा लगाने में क्या हो चुके हैं, वो हैबिचुअल हो चुके हैं, मतलब कि वो यूज टू ट्रेस द डिफ़िकल्टीज और डेंजरस अबाउट द होल डे, मतलब पूरे दिन के बारे में जो उनके उनके सामने आने वाली जो भयानकता थी, जो समस्याएं थी, उनको वो क्या है, ट्रेस कर सकते थे उसके मॉर्निंग फेस से। मतलब जैसे हम देखते हैं ना, किसी का सुबह का चेहरा ही अगर उसका मूड ख़राब है तो उनको पता लग जाता था कि आज उनकी शामत आने वाली है, आज उनको मार पड़ने वाली है, या कुछ भी, जैसे भी वो अपना जो अपना मतलब पॉइंट ऑफ व्यू सेट कर लेते थे कि बच्चे उनकी चेहरा देखकर, किसका चेहरा देखकर, अपने स्कूल मास्टर का, अपने मास्टर का चेहरा देखकर वो अंदाज़ा लगा लेते थे कि आज उनकी पिटाई होने वाली है या उनके साथ कुछ गलत होने वाला है। उसके बाद हमने देखा कि जो लोग हैं, मतलब कि जो मैन है, जो वो मास्टर है, स्कूल मास्टर है, वो खाली सिर्फ दिखने में ही क्या है, वो हार्श है, लेकिन वो क्या है, अपने चारों तरफ जो समस्याएं हैं, जो बच्चों की समस्याएं हैं, उनको अच्छे से समझता है। मेनली जो उसका फॉल्ट है, जो उसका दोष है, वो क्या है, लविंग टू लर्निंग, मतलब कि लविंग फॉर लर्निंग, वो क्या है, सिर्फ लर्न के लिए ही पैदा हुआ है, और वो लर्न मतलब सीखने को ही क्या है,
प्रेम करता है, वो क्या है नॉलेज, मतलब कि उसके जो नॉलेज के प्रति उसका जो प्यार है वही उसका क्या है दोष है, क्योंकि वो यही चाहता है कि हर, मतलब कि जो हम जानते हैं कि हर जो टीचर होता है वो यही चाहता है जो बच्चे हैं वो क्या है नॉलेज गेन करें, तो यही उसका फॉल्ट होता है टीचर की सख्त होने का। टीचर जो है वो क्यों सख्त होते हैं, क्यों स्ट्रिक्ट होते हैं, क्योंकि वो बच्चों को क्या है आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, आगे जाना सफल होना सफल होते हुए देखना चाहते हैं। इसलिए जो स्कूल मास्टर था वो भी बस यही चाहता था कि उसके बच्चे हैं जो क्या है नॉलेज गेन करें और इंटेलिजेंट बन जाएं, इसीलिए वो क्या है उनके प्रति बहुत ही ज़्यादा सख्त रहता था। लेकिन वो मतलब कि अगर उसके हम हार्ट की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा काइंड था। अब ये जो हम स्टैंडर्ड स्टार्ट करेंगे हमारा, जिसमें जो विलेजर्स हैं वो क्या है उसकी मतलब कि ज्ञान जो उसका नॉलेज है उसकी उसकी बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा करते हैं। अब इसमें जो पॉइंट है वो बताएगा जो स्कूल मास्टर था वो क्या क्या कर सकता था, उसके पास क्या क्या एबिलिटीज थी, और जो विलेजर्स थे वो उसके बारे में क्या सोचते थे। तो स्टार्ट करते हैं आपका स्टैंजा। He was kind, all his fear in both. The love he bore to learning was his fault. The village all declared how much he knew. Twas certain he could write and cipher too. Lands he could measure, terms and tight presses. And in the story ran that he could guess. In arguing too, the parson on his skill. For even though vanquished, he could argue still. अब यहाँ पर जो पॉइंट है वो क्या कहते हैं, yet he knew was kind. यद्यपि वो काइंड था और इफ स्वेयर इन ओट, लेकिन वो दिखने में क्या था स्वेयर था, मतलब कि क्या था हार्श था, कठोर था, किसी भी प्रकार से वो कठोर था, लेकिन वो क्या था काइंड हार्टेड था, उसका जो दिल था वो बहुत ही ज़्यादा दयालु था। द लव वो ही बोर कि उसने जन्म ही लिया था लव के लिए, अपने प्यार के लिए, टू लर्निंग, अपने लर्निंग मतलब कि सीखने के प्रति जो उसका प्यार था वही उसका क्या था दोष था, मतलब कि उसने जन्म से ही क्या है सिर्फ सीखना ही चाहा था, और सीखना और सिखाना ही क्या था उसका फॉल्ट था। द विलेज ऑल डिक्लेयर, जो पूरा का पूरा गांव था डिक्लेयर मतलब घोषणा कर चुका था, क्या घोषणा कर चुका था, हाउ मच ही न्यू कि वो कितना जानता है, जो पूरा का पूरा गांव था वो ये तो घोषणा कर चुका था कि वो कितना जानता है, कि उसके पास कितना ज्ञान है। फास्ट सर्टेन, अब वो बताएगा वो क्या क्या कर सकता है, यहाँ पर कोई कुछ चीज़ें जो थिंग्स मेंशन करेगा जो क्या है बताएगा कि जो स्कूल मास्टर था वो क्या क्या कर सकता था, उसके पास क्या क्या एबिलिटी थी। ही कुड राइट, वो लिख सकता था, एंड चिफर का मीन्स होता है गूड लेख, चिफर का मीन्स क्या होता है गूड लेख, मतलब कि हम कह सकते हैं लिखना, अगर इसको नॉर्मल रीड करेंगे तो क्या मीन्स बनता है इसका लिखना, कि वो पढ़ना और लिखना मतलब लिख राइट करना, और चिफर टू और उसे बहुत ही अच्छे गहनता से वह चीज़ को पढ़ सकता था, लिख कर पढ़ना या पढ़ना भी कह सकते हैं चिफर का, चिफर मतलब पढ़ना, वो क्या है व्याख्या कर सकता था और लिख सकता था। लैंड्स ही कुड मेजर, और वो क्या है लैंड्स मतलब कि जो जमीन थी, लैंड्स मीन्स क्या होता है जमीन, ही कुड मेजर, मेजर का मतलब नापना, वो क्या है जमीन को नापना भी जानता था, वो जमीन को मेजर कर सकता था। टर्म्स एंड टाइट प्रेसेस, टर्म्स एंड टाइट क्या होता है ज्वार भाटा, टर्म्स एंड टाइट्स ज्वार भाटा, आपने इडियम सुना होगा तुम्हारा सुना होगा, टर्म्स एंड टाइम नेवर वेट फॉर अदर, मतलब कि जो टर्म्स एंड टाइम मतलब ज्वार भाटा को किसी का इंतजार नहीं करता। ज्वार भाटा क्या होता है, जब चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण समुद्र की जो लहरें उठती हैं फिर नीचे होती हैं तो उसको क्या बोलते हैं ज्वार।
बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, टर्म्स एंड टाइड, जिसका मीन्स होता है ज्वार वाटा प्रेसेस, मतलब कि वो क्या है ज्वार वाटा की भी प्रेसेस का मीन्स हम कह सकते हैं प्रिडिक्ट करना, प्रिडिक्ट मतलब कि भविष्य कर, भविष्यवाणी, प्रिडिक्शन मतलब कि भविष्यवाणी, वो क्या है टर्म्स एंड टाइड्स की क्या कर सकता था, भविष्यवाणी कर सकता था कि वो क्या है ज्वार वाटे के आने का टाइम भी क्या है अपना वो बता सकता था, उसका अंदाजा लगाना वह जानता था। एंड इन द स्टोरी रैन, और वो अपनी स्टोरी जारी रख सकता था, कोई भी कहानी दैट ही कुड गोस, कि वो हर किसी प्रकार की भी कहानी थी वो उसे करना जानता था, अपनी कहानी को जारी करना जानता था। इन आर्ग्यूइंग, और आर्ग्यूइंग, आर्ग्यूइंग का मीन्स क्या होता है बहस करना, आर्ग्यूइंग का मीन्स क्या होता है बहस करना, और आर्ग्यूइंग में मतलब बहस करने में भी वो क्या था स्किलफुल था, वह बहस करने में भी बहुत ज़्यादा क्या था समर्थ था, मतलब कि वो हर किसी से वाद विवाद करने में भी क्या था निपुण था। तब पार्सन, पार्सन क्या होता है हम कह सकते हैं इसको प्रीस्ट, पार्सन का क्या मीन्स होता है प्रीस्ट मतलब पुजारी, जैसे हिंदू के जो मंदिर होते हैं उसमें पुजारी होते हैं और जो चर्च होते हैं उसमें क्या होते हैं वैसे हम फादर्स होते हैं, लेकिन पार्सन भी होता है जो क्या करता है पूजा पाठ करता है। जो पार्सन था ऑन हिज स्किल, वो भी क्या था उसके स्किल को मतलब कि उसके अंदर जो ये एबिलिटी थी उसको मान चुका था, जो पार्सन था मतलब कि जो हम कह सकते हैं पुजारी था वो भी क्या है उसकी जो इस आर्ग्यू करने वाली जो स्किल थी, आर्ग्यू करने वाला जो उसके पास एबिलिटी थी निपुणता थी उसका वो लोहा मान चुका था, मतलब पार्सन भी क्या है कुल मिलाकर हम जानते हैं जो पुजारी होता है उसको सबसे ज़्यादा क्या है नॉलेजफुल माना जाता है, ज्ञानी माना जाता है, उससे ऊपर जो गांव हम नॉर्मली देखते हैं जो पुराने टाइप के गांव होते थे पुराने टाइम के उसमें क्या था जैसा पुजारी कहता था पुजारी को बहुत ज़्यादा उच्च माना जाता था, लेकिन इस गांव में क्या था जो पुजारी था वो भी उसके ज्ञान का उसकी एबिलिटी फॉर द आर्ग्यूइंग मतलब कि उसकी बहस करने की जो एबिलिटी थी उसका वो लोहा मान चुका था, वो भी उससे कुल मिलाकर पंगा नहीं लेता था, क्योंकि जो स्कूल मास्टर था वो बहस करने में बहुत ही ज़्यादा उस्ताद था। फोर इन दो, एक मिनट, फोर इन दो व्हेन ही कुड आर्ग्यू स्टिल, कि कोई भी अगर हार भी जाता फिर भी वो क्या था आर्ग्यू स्टिल अपना जो वाद था वो जारी रखता था, मतलब कि सामने वाला उसके सामने हार मान जाता था फिर भी क्या है वो अपना जो वाद विवाद था अपनी जो बहस थी वो जारी रखता था, मतलब वो अपनी क्या है बात मनवाने में बहुत ही ज़्यादा माहिर था, वो किसी भी प्रकार की बात को अपनी बात को क्लियर कर सकता था। एक बार फिर से रीड करते हैं, येट ही वाज काइंड और ही स्वेयर इन ओथ, यद्यपि वो काइंड था लेकिन वो किसी भी प्रकार से कठोर हो सकता है, मतलब वो दिखने में चाहे कठोर था लेकिन जो उसका मन था जो उसका हार्ट था वो क्या था काइंड था, वो बहुत ही ज़्यादा दयालु प्रवृत्ति का था। द लॉयन, सॉरी द लव ही बोर, कि उसने जन्म ही लिया था किसके लिए लव के लिए प्यार के लिए, टू लर्निंग किसके प्यार के लिए उसने सिर्फ सीखने के प्रति जो उसका प्यार था उसी के लिए उसने जन्म लिया था, और उसे अपने जो नॉलेज था उसके ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा होती था उससे अहंकार था, यही उसका क्या था सबसे बड़ा फॉल्ट था, वॉज इन फॉल्ट, कि अगर हम उसमें दोष देखें तो यही दोष था कि उसका जो लर्निंग के लिए जो उसका लव था वही उसका क्या था दोष था। द विलेज ऑल डिक्लेयर, जो पूरा का जो पूरा गांव था वो क्या है डिक्लेयर कर चुका था घोषणा कर चुका था हाउ मच ही न्यू, कि वो कितना जानता है, जो मतलब पूरा जो विलेज था हर विलेजर्स जो भी उस विलेज के रहने वाले जो लोग थे वो उसकी जो नॉलेज थी उसे क्या थे अच्छे से जानते थे, उसकी नॉलेज को उसकी इंटेलिजेंसी को अच्छे से जानते और मानते भी थे। तो आज सर्टन ही कुड राइट एंड चिफर टू, और वो यह भी कर सकता था क्या कर सकता था वो राइट भी कर सकता था, चिफर मतलब कि गुड लेख या पढ़ भी सकता था। लैंड्स ही कुड मेजर, और वो जो लैंड्स थी जो जमीनें थी उनकी भी
मपाई जानता था, मतलब उसे नाप तोल करना भी आता था। टर्म्स एंड टाइड फ्रेसेस, और वो क्या है, ज्वार बाटा। टर्म्स एंड टाइड्स का मीन्स होता है ज्वार बाटा। वो ज्वार बाटे आने की पहले भविष्यवाणी भी कर सकता था, उसका अंदाजा लगा सकता था। एंड इन द स्टोरी एंड दैट ही कुड गोज, और वो क्या है, हर स्टोरी को वो गढ़ सकता था, किसी भी प्रकार की जो कहानी है उसको लंबा जारी रख सकता था, मतलब हर बात को वो अच्छे से जानता था। जो पुराने टाइम की जो स्टोरीज थी उनको भी बहुत ही ज़्यादा वो नॉलेज रखता था। इन आर्ग्यूइंग, और बहस करने में, आर्ग्यूइंग का मीन्स क्या है, और बहस करने में भी वो क्या था, निपुण था, बहुत ही ज़्यादा अपनी स्किलफुल था। और इस स्किल को, इस एबिलिटी को, जो पार्सन मतलब जो पृष्ठ पुजारी था जो विलेज का, वो भी क्या था, उसे मान चुका था, उसकी कसम खा चुका था, मतलब वो भी क्या है, उससे आर्ग्यू नहीं करता था, क्योंकि उसे पता था कि मैं क्या है, उसके अगर स्कूल मास्टर से आर्ग्यू करूँगा, स्कूल मास्टर से बहस करूँगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हारना पड़ेगा। फॉर इन दो पेंकिल्स ही कुड आर्ग्यू स्टिल, और वो हार जाता था, अगर उसके पास कोई हार जाता था फिर भी वो अपना क्या है, आर्ग्यू जो है वो स्टिल रखता था। अब देखते हैं नेक्स्ट लाइंस जो हमारी हैं, अब आगे देखते हैं। व्हाइल वर्ड्स ऑफ लर्न लैंथ एंड थंडरिंग साउंड अमेज द गेजिंग स्टेक्स रेड अराउंड एंड स्टिल द गेज एंड स्टिल द वंडर grew that one small hat could carry all he knew, but past is all his fame, the very spot where many a time it turned is forgot. While words of learned length and hundred sound, कि वो क्या है, बहुत ही लंबे लंबे हम कह सकते हैं length, learn length and hundred sound, ये क्या है, Latin words, वो बहुत सारे क्या कर सकता था, लैटिन वर्ड्स याद रख सकता था, उसके पास क्या था, बहुत ही बड़ा हम कह सकते हैं वोकैबुलरी जो थी उसमें बहुत ही ज़्यादा लेंथी वर्ड्स थे जो नॉर्मल लोग लर्न नहीं कर पाते थे। अमेज द गेजिंग डिस्ट्रिक्स रेंट अराउंड, अमेज मतलब कि आश्चर्यचकित या हैरान, जो लोग थे गेजिंग मतलब कि आस पास, डिस्ट्रिक्स का मतलब हम कह सकते हैं वासी, गांव ग्रामीण लोग जो है, वैसे तो इसका मीन्स देशवासी होता है, लेकिन हम यहाँ पे क्या है, विलेजेस ले लेंगे। रस्टिक्स मतलब कि जो उसके आस पास रैंक अराउंड, जो उसके पास आस पास जो ग्रामीण थे वो क्या थे, अमेज मतलब हैरान थे। एंड स्टिल दे गेज, और क्या है, हमेशा ही वो क्या थे, गेज रहते थे, बात करते थे। एंड स्टिल ही वंडर ग्रू, और वो हमेशा ही क्या है, हर प्रकार से वो वंडर मतलब की हैरानी में डाल देता था, मतलब जो उसके उसके पास क्या थे, वर्ड्स मतलब की शब्दों का एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं एक बहुत बड़ा भंडार था, जो उसकी वोकैबुलरी में उसकी जो शब्दकोश था उसके माइंड में, उसके अंदर बहुत ही लंबे लंबे जो क्या थे सेंटेंस थे, जो लंबे लंबे क्या थे वो वर्ड्स जानता था, ऐसे वर्ड्स जो विलेज में कोई भी नहीं जानता था, और कोई इसी कारण से कोई भी उससे बहस करने की हिम्मत नहीं रखता था। अमेज द गेजिंग रस्टिक्स, रस्टिक्स के जो उसके अमेज होते थे मतलब हैरान होते थे, उसके जो ग्रामीण लोग थे उनके आस पास जो रहने वाले लैंड अराउंड, वो हमेशा ही क्या है, उसकी जो वोकैबुलरी थी उसके शब्द को उसके ऊपर क्या है, वो हैरान होते थे। एंड स्टिल दे गेज, और वो इसीलिए भी हैरान होते थे, स्टिल ही वंडर ग्रू, वो ऐसा हैरानी से मतलब कि वो उसे क्या मानते थे, एक वंडर मानते थे, एक अजीब आश्चर्य मानते थे, हम कह सकते हैं कि वो उसे क्या मानते थे, एक आश्चर्य, एक जादू मानते थे। दैट वन क्या मानते थे, किसे जादू मानते थे, दैट वन स्मॉल हैट कुड कैरी ऑल ही न्यू, कि इतना छोटा सिर, एक इतना छोटा सिर, इतना कैरी मतलब कि उठाना, वो इतना छोटा सिर उठाना, कैसे वो इतना सब कुछ अपने इतने
छोटे से माइंड में उठा सकता है, मतलब कि इतने छोटे से जो माइंड के अंदर उसके अंदर इतना नॉलेज वो कैसे रख सकता है। दैट वन स्मॉल हैड कुड कैरी ऑल ही न्यू, कि एक छोटा सा जो सिर है वो कैरी कैसे कर सकता है जो वो सब कुछ जानता है। बट पास्ट, लेकिन पुराने टाइम, द पास्ट इज ऑल हिज फेम, फेम का मतलब प्रसिद्धि, मतलब उसकी जो सारी की सारी जो प्रसिद्धि थी वो क्या थी, अब पास्ट हो चुकी है, मतलब कि वो बीत चुकी है। पास्ट का मीन्स क्या होता है, बीता हुआ कल ही हम कह सकते हैं, वो क्या है, अब वो पुरानी बात हो चुकी है जो उसकी प्रसिद्धि थी। द वेरी स्पोर, प्रत्येक वो जो हिस्सा जो उससे जुड़ा हुआ था, द वेरी स्पोर्ट, प्रत्येक जो स्थान, वेयर मैनी अ टाइम, जहाँ पर उसने एक बार, मतलब उसने कभी वो ही ट्रंप का मीन्स क्या होता है, विक्ट्री, ट्रंप का मतलब विक्ट्री, जीत, ट्रंप इज फॉरगेट, उसकी जीत जो थी, ऐसे स्थान, ऐसे प्रत्येक स्थान जहाँ पर उसने कई बार विक्ट्री प्राप्त की थी, मतलब वो क्या था, उस स्थान को वो जीता हुआ था, अपने आर्ग्यूमेंट से, अपने नॉलेज से जीता हुआ था, वो सब अब क्या हो चुका है, फॉरगेट, मतलब कि बुलाया जा चुका है, बुलाया जा चुका है, मतलब कि अब वो जो लोग हैं, अब वो जो गांव है वो क्या हो चुका है, खाली हो चुका है, अब वहां पर जो उसकी नॉलेज है वो क्या है, अब वो पास्ट बन चुकी है, उनका अतीत बन चुकी है, उसकी जो जीत थी वो अब क्या है, बुलाई जा चुकी है, उसके नॉलेज का जो सब लोग हैं अब भूल गई हैं। और फिर से देखते हैं, वाइल वर्ड्स ऑफ लंग लेंथ, द थंडरिंग साउंड, वो इतने लंबे लंबे जैसे लैटिन वर्ड्स जाता था, वो कैसे प्रतीत होते थे, थंडरिंग का भी वैसे अगर हम मीन देखते हैं तो बिजली का गरजना, बिजली का चमकना या गरजना, थंडरिंग साउंड जो गड़गड़ाहट होती है, बादलों का गरजना, बिजली का नहीं, बादलों का गरजना, बादलों का गरजना, क्योंकि बिजली गरजती नहीं है, चमकती है, थंडरिंग का मीन्स होता है बादलों की गरजाहट, कि उसके जो वर्ड्स होते थे वो उसने सीखे हुए जो लंबे वर्ड्स, वो कैसे लगते थे, बादलों की गरजाहट कैसे लगते थे, अमेज़ द गेजिंग डिस्ट्रिक्ट्स रैंड अराउंड, जो उसके आसपास के जो ग्रामीण थे, जो देशवासी थे, जो लोग रहते थे, वो क्या है, हमेशा ही उसके जो मतलब कि उसकी जो पावर्स थी, जो उसके पास स्किल्स थे, उनके ऊपर हमेशा क्या है, वो हैरान रहते थे, अमेज रहते थे, एंड स्टिल दे गेज, और हमेशा वो गेज करते थे, हमेशा वो आश्चर्य रहते थे, एंड स्टिल द वंडर ग्रू, कि किस तरीके से एक वंडर ग्रू, मतलब कि एक आश्चर्य होता था उन्हें, दैट क्या आश्चर्य होता था, दैट वन स्मॉल हैड कुड कैरी ऑल ही न्यू, कि एक इतना छोटा सा जो मस्तिष्क है, इतना छोटा सा जो हैड है, वो इतना नॉलेज कैसे रख पाता है, जो उसने नॉलेज गेन किया हुआ वो इतने से छोटे से हेड में कैसे रह पाता है। बट पास्ट इज ओल्ड, लेकिन अब जो ये चीज़ें थी, अब जो वो स्कूल मास्टर की जो एबिलिटी थी, अब वो क्या बन चुकी है, पास्ट बन चुकी है, ऑल हिज फेम, जो उसकी प्रसिद्धि थी वो भी क्या है, अब पास्ट हो चुकी है। द वेरी स्पोर, जो प्रत्येक जो हिस्सा था जहाँ पर उसने कई बार जीत हासिल की थी, अब भुलाया जा चुका है, मतलब जो डेजर्ट जो विलेज है अब वो भूल चुके हैं, जो लोग हैं उस विलेज के, जो स्कूल मास्टर है अब वो क्या है, सिर्फ अतीत बन चुका है, उसे सब भुला चुके हैं। तो ये थी हमारी द स्कूल, द विलेज स्कूल मास्टर की लास्ट लाइन, जिसमें हमने देखा कि जो स्कूल मास्टर है वो बुलाया जा चुका है, क्योंकि वो क्या था, अतीत बन चुका है, अब जो लोग हैं वो वहाँ पर नहीं रहते, और वहाँ उस जो स्कूल मास्टर था उसकी एबिलिटी के ऊपर जो वो गेज करते थे, अमेज होते थे, अब वो वैसा नहीं रहा है, जो टाइम है वो चेंज हो चुका है। तो हमारी जो वीडियो है यही एंड होती है। मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप इसको अपनी नोटबुक में लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, ताकि आपको पोएम में, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोएम के साथ, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।